तो वहां क्या है ना बेटा, वहां डिक्टेटरशिप है, वहां पे जनता की कोई बात सुनता नहीं है। ठीक है, अपने यहाँ क्या है कि आप अपने स्कूल में कुछ आके बोलते हो कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि ये टीम्स नहीं रन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो हम लोग उसको कंसीडर करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर मान लो हमने क्या किया, एक क्लास करवाया, मान लो अध्यक्ष ने बोल दिया कि हम टीम्स पे क्लास ले रहे हैं, और किसी को यूजर आईडी पासवर्ड दिया ही नहीं किसी बच्चे को, ठीक है, और क्या कहा हमने, अरे भाई बोर्ड ने लिखा, सबसे क्या बात कर रहा है, पहले को नहीं बताया, अब देखा नहीं, बिना ध्यान रखिए, अब दिख रहा है, ओके हमने क्या किया, हमने टीम्स पे क्लास चलाया और आप लोगों को टीम्स की आईडी दी ही नहीं, ठीक है, हमसे आपने बोला व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा, हमने उसको कंसीडर ही नहीं किया, हमने बात ही नहीं सुनी आपकी। तो जब ऐसी कंडीशन रहती है डिक्टेटरशिप हो जाती है। तो मैं आपको डिक्टेटरशिप क्यों बता रहा था, आई डोंट नो, मैं सी जिनपिंग में क्यों गया, हाँ मैं आपको गैप एप्स के बारे में बता रहा था। तो होता क्या है, जो चाइनीज कंपनियां होती हैं, जो कि कुछ बहुत फेमस कंपनियों का मैं नाम लिखने वाला हूँ, जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा, जैसे कि MI, ठीक है, MI आप लगती है सुना है, मी हाँ, वन प्लस, हाँ हाँ रेडमी, MI का ही रेडमी वन, ओप्पो, वीवो, और जामी, यही बेटा MI का ही फुल फॉर्म क्या है, शाओमी, जियोमी नहीं बोलते उसको, शाओमी बोलते हैं, शाओमी, ठीक है, इसका नाम है MI का। इसी तरह से कई सारी और भी कंपनियां होती हैं, इसका नाम आपने नहीं सुना है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनियां होती हैं। मैं आपको बोर्ड में रेज कर रहा हूँ, आपने हुआवे का नाम सुना है, बिल्कुल मैं बता, लिसन टू मी, पैसा ये पैसा कैसे कमाते हैं, हम जानते हैं बेटा ये क्यों इतनी अच्छी सर्विस दे पाते हैं। आपको याद होगा कि आपकी इससे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग से क्लास चलती थी, तो मैंने DU स्क्रीन रिकॉर्डर बोला था टीचर्स को, DU स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने क्यों बोला, कैमरा स्कैनर क्यों बोला, ये सब इतनी अच्छी सर्विस कैसे दे देते हैं, जो सर्विस देने के लिए अदर आप क्या करते हैं, पैसे की मांग करते हैं, मनी मांगते हैं, ये मनी क्यों नहीं मांगते, आपको फ्री सर्विस क्यों देते हैं। तभी आपने सोचा, आप सोचिए जो डिवाइस आप चाइना में सॉरी इंडिया में कर, बिल्कुल ये आपके डाटा को सेल करते हैं, इसको डाटा को सेल करते हैं। आपने ट्रू कॉलर का नाम सुना है, ट्रू कॉलर पैसा कैसे कमाता है, ट्रू कॉलर पैसा कैसे कमाता है, एडवर्टाइजमेंट से पैसा कैसे कमाता है, इसके अलावा क्या करता है, यहाँ पे डाटा को सेल भी करता है। आपको अगर कभी आपने देखा होगा कि आपने कहीं भी रजिस्ट्रेशन ना किया हो, फिर भी आपके पास क्या होगा, मैसेज आएगा, कोई कोचिंग आपके पास मैसेज आता हो मोबाइल में कि दिस बैच इज स्टार्टेड, दिस इस तरह से आपके पास मैसेज आएगा, या प्लॉटिंग का मैसेज आएगा, कोई भी मैसेज आएगा, प्रमोशनल मैसेजेस अगर आपके पास आ रहे हैं, आपको लगता होगा अरे यार हमने तो कहीं रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, तो इसके पास कैसे आ रहा है, उसके पास कैसे आ रहा है, क्योंकि इसने कहां से आपका नंबर खरीदा है, उसने ट्रू कॉलर से आपका नंबर खरीदा है, ट्रू कॉलर नंबर भी बेचते हैं, ये सारे काम होते हैं। तो ये सब पैसे वहां से कमाते हैं। हुआवे जो कंपनी है, ये कंपनी कैसी है, ये ऐसी कंपनी है चाइना की जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाती है। सपोज कि अगर हमारे इंडिया में 5G नेटवर्क आने वाला है, तो 5G नेटवर्क जो है ये 5G हुआवे ही बना रही है, हुआवे डेवलप कर रही है। अब देखो हुआवे का गेम क्या होता है, समझना, होता क्या है ना बच्चा कि जो हुआवे है ये नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाती है, जो बता रहे हैं सुन लो ध्यान, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस बनाती है, ये ऐसे ऐसे नेटवर्किंग डिवाइस ही बनाती है, ये वो नेटवर्किंग डिवाइस बनाती है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं, जैसे जियो खरीदेगी, जैसे वोडाफोन खरीदेगी, एयरटेल खरीदेगी, ठीक है, ये सब कंपनियां क्या करती है, ये सब कंपनियां जो नेटवर्किंग डिवाइस खरीदती है, जो टावर के डिवाइसेस लगते हैं, जो टावर में इक्विपमेंट लगते हैं, जो वो इक्विपमेंट है वो बनाती है कौन आपकी, वो बनाती है आपकी हुआवे, ठीक है। अब गेम देखो कहां होता है, अब आप मान लो किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, ठीक है, मान लो किसी ने किसी को अपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ठीक है, व्हाट्सएप आपको बहुत सिक्योर है कोई बात नहीं, लेकिन डाटा बेटा इसी से होकर जाएगा ना, इसी हुआवे के सर्वर से होकर जाएगा, इसी की डिवाइस से होकर जाएगा, कहीं और से आएगा, बताओ जब नेटवर्किंग डिवाइस, आपने सोचा कि हमने जियो का नेटवर्क ले रखा है, ठीक है, लेकिन जियो ने किसकी डिवाइस यूज की है, जियो ने डिवाइस यूज की है हुआवे की। अब हुआवे क्या करता है, हुआवे आपके डाटा को चुरा लेता है,
डाटा को वहां से क्रश कर लेता है, चुराने के बाद उसको स्पेल आउट करता है। तो इस तरीके से बहुत ऊंचे तो बहुत फेमस कंपनी है, उसके मोबाइल इनको पता है कि आपको जितना आपको प्रॉफिट डायरेक्टली मिलना चाहिए उतना पैसा वो आपके डाटा से कमाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में आज के समय सबसे महंगी चीज जो है वो है डाटा। महंगी इन द सेंस कि जो आपका डाटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने मोबाइल में कई बार क्रेडिट कार्ड डिटेल, हाँ क्रेडिट कार्ड कार डिटेल आपकी रहती है, ठीक है, आपकी फोटोज रहती है, फोटोज आपको लगता होगा कि ऐसी दिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फोटो, इसके अलावा आपकी पिक्चर होती है, वीडियोज वगैरह होती है, ठीक है। आपको पता है टेररिस्ट अटैक कैसे किए जाते थे, अब तो बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गए हैं अपने यहाँ टेररिस्ट अटैक बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गए हैं। तो पहले जब मोदी जी के पहले कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद डिमोनेटाइजेशन के पहले अगर आपको याद करो हमेशा हमें आए दिन पेपर में या टीवी में देखने को मिलता था यार जहाँ हमला हो गया वहां हमला हो गया, इवन 26/11 इतना बड़ा हमला। मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा लेकिन इस समय हमें ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला किया गया है, हमें पढ़ने में नहीं आया इस बारे में। सो खैर जो 26/11 का हमारे पास एक अटैक हुआ था तो यहाँ पे ये सब अटैक प्लान कैसे किया जाते हैं, टेररिस्ट प्लान कैसे करते हैं, एक्चुअली में टेररिस्ट आपके डाटा को चुराते हैं। आज आपको वीडियो इसीलिए दिखाया गया क्योंकि क्या करते हैं वो आपके डाटा को चुराएंगे और क्या करेंगे, तुम्हारा मान उन्हें आधार कार्ड मिल गया, ठीक है, उन्होंने क्या मिल गया आधार कार्ड मिल गया आपका, अब क्या करेंगे आपकी सर्कल से ही मिलता जुलता जो उनका बंदा होगा जो टेररिस्ट होगा उसको क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे आपकी तरह बनने की, तो क्या करेंगे ट्रेनिंग देंगे आपकी तरह बनने की और उसका हुलिया आपकी तरह एकदम मिला देंगे, फिर उसके नाम पे रिजर्वेशन करवाएंगे वहां से यहाँ आने का, आधार कार्ड तो वही आपका, उसकी फेक आईडी जनरेट करेंगे और फेक आईडी बना के उसे इंडिया भेज देंगे, ठीक है। अब वो इंडिया आ गया, अब भारत आने के बाद क्या होगा, इंडिया आने के बाद उसको यहाँ पे वर्क मतलब आ गया यहाँ पर क्या करेगा जो कुछ एक्टिविटी करनी होगी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिस भी पर्पज से आया है, ठीक है, लेकिन नाम किसका जाएगा, नाम जाएगा दूसरा आदमी का जिसका आधार कार्ड था। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, आपको लगता है कि हाँ फोटो हमारा ठीक है चलिए चले दीजिए ठीक है, लेकिन क्या होता है वो इन सब चीजों को सेल आउट करके आपके पैसे बनाते हैं, इसलिए आपको सस्ते मोबाइल अच्छे मोबाइल सस्ते में प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप ज्यादा ज्यादा डिवाइस खरीदें और उसको यूज करें। आपने देखा होगी एमआई क्लाउड एक होता है, सुना है एमआई क्लाउड, हाँ आपने एमआई क्लाउड में जो भी फोटो अपलोड की कहीं ना कहीं वो सर्वर पे जा रही है, उनके सर्वर पे जा रही है, आपने ऑटोमेटिक अपडेट लगा रखा है, मान लो आपके कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल डेबिट कार्ड डिटेल नेट बैंकिंग डिटेल कोई भी चली गई तो आपके अकाउंट से पैसे बुलाए जा सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, तो कई सारी बातें होती हैं। तो आज जो आपको वीडियो दिखाई गई जिसके बारे में बताया गया उस ऐप को बिल्कुल नहीं यूज करें, खासतौर से आप क्योंकि आप एक ऐसे पीपल्स हैं जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड हैं, आप आर्मी में सर्विस दे रहे हैं और यू आर इन एट मोस्ट रिस्क, आप लोग एट मोस्ट रिस्क पे होते हो हमेशा, ठीक है, एट मोस्ट रिस्क पे हो आप, ठीक है, इन सब मामलों में आई एम अ सिविलियन तो मेरे ऊपर ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन आपको ज्यादा डरने की जरूरत है खासतौर से इस नंबर से आपको एकदम सचेत रहना है, ठीक है, इस नंबर से बिल्कुल सचेत रहना है और आपको कभी भी इस चीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मतलब ये इस तरह कोई भी मैसेज आए कोई भी दुनिया कोई भी बंदा आपको कॉन्टेक्ट करे उस नंबर पर प्लस आई को लगा है इसमें आप हमेशा सचेत रहिए, आपको पता ही किस कंपनी का फोन है, पता है ना किस कंपनी का फोन है, हाँ बताइए इसी का है, जिससे आपको सचेत रहना है, कोई भी कॉलिंग आती है कोई भी इंफॉर्मेशन पूछता है आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, आपके पास पता है कि आपको किस तरह से एक्शन लेने हैं, यू आर वेरी स्मार्ट राइट नाउ, आपको रिपोर्ट करना है ब्लॉक करना है बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना है, पता है आप अगर सेल फोन रिसीव कर रहे हो सेल फोन रिसीव करो 30 सेकंड कॉल चल रही है आपको तो 30 सेकंड में वो आपके लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, तो आपको सेल ही नहीं उठाना है, आप 1 रुपया चाहिए तो सीधा डिक्लाइन कर दो रिपोर्ट कर दो ब्लॉक कर दो, ठीक है, ट्राई को ऑब्जेक्टिव टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप इस पर कंप्लेन कर सकते हो जाके, ठीक है, कंप्लेन कैसे करते हैं या इंटरनेट पर सीख लेना, अगर नहीं आती तो हमसे पूछना या जब कॉल आएगी तब, तो आप क्या कर सकते हैं TRAI में कंप्लेन भी कर सकते हैं कि हमें इस तरह से नंबर से कॉल आ रही है, तो क्योंकि हाँ बेटा एक बार मुझे 6 डिजिट के नंबर से कॉल आई थी,
हाँ भाई देखो इसमें दो बातें होती हैं, जैसे हमने कहा 6-digit नंबर ना, तो दो बातें होती है, एक होता है लैंडलाइन नंबर, एक होता है सेल फोन नंबर। तो जो लैंडलाइन नंबर होता है उसमें ना 11 digit होती है, ठीक है। ऐसे मान लो कि हम बात करें लैंडलाइन नंबर की, तो कुछ ऐसा होता है जैसे 0532 सबने यहाँ बात किया, जैसे मान लो 1 4 8 नंबर लैंडलाइन नंबर। तो अगर कोई इलाहाबाद का व्यक्ति, अगर कोई इलाहाबाद का व्यक्ति जैसे कि मैं आपको कॉल करूं आप ही के लैंडलाइन पे, मतलब इलाहाबाद से इलाहाबाद पे ही कॉल करूं, ठीक है, यहाँ के लैंडलाइन से आपके लैंडलाइन पे, तो आपका जो लैंडलाइन होगा उसमें मेरे नंबर पे केवल इतना ही शो करेगा, ठीक है। और कई बार ये काम आपके मोबाइल पे भी होता है, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं, पता नहीं किससे कॉल ना किया, 7 digit रही होंगी, हो सकता है 6 digit रही हूँ, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। इस नंबर पे देख लेना है कि अगर कॉल आती है तो उठा सकते हो, आपके नंबर अगर कोड लग के आ रहा है, जैसे 01 कहाँ का कोड है, दिल्ली का कोड है, ठीक है, 0500 वाला या फिर कानपुर का कोड है, इस तरह हर जगह का कोड होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि कंपनी 0 को हटा देते हैं, सीधे 512 से कॉल आएगी, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिंबल क्या देखना है, आपको सिंबल देखना है प्लस का, जब तक ये प्लस सिंबल नहीं लगा है इसका मतलब क्या है, कॉल आपकी लोकल है, इंडिया की कॉल है, ठीक है। अगर एक बार प्लस सिंबल लग गया इट मीन्स क्या, इट्स अ इंटरनेशनल कॉल, ठीक है। वरी एवरीवन सर, अगर प्लस प्लस सिंबल लग गया तो वो इंटरनेशनल है, बिल्कुल बेटा। अगर प्लस 1 लग गया उसका क्या मतलब, ये यूएसए की कॉल है, ठीक है। प्लस 91 है तो क्या है, 91 मतलब इंडिया, 91 किसका कोड है, इंडिया का कोड है। प्लस 91 के अलावा अगर कुछ और लग के आ रहा है मीन्स दैट दिस इज द आउटसाइडर कॉल और ऑफ द इंडिया, ओके एवरीवन। Okay, so this time is here. They will get me in the class. Sir, yes, sir. तो आपको प्लस 12 से कॉल करेंगे, ये क्या है, ये आपका लंदन का नंबर होगा, ठीक है बेटा। प्लस 44 प्लस 144 होता है बेटा, वो 144 से भी कॉल आती है आपके पास, और कई बार अगर 44 से भी कॉल आ रही है तो मीन्स दैट कस्टमर केयर की कॉल, आप रिसीव कर सकते हो बट प्लस 92 इससे बच के रहना, ठीक है, ये खतरनाक है, ओके। चाइना के बिल्कुल बेटा, इसलिए तो उनकी कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, जितना हाई रेडिएशन होती है अच्छी कनेक्टिविटी, आज मतलब रेयर होता है, चक्कर आज उसको फ्री देता है लोग अस्सी जो बन नहीं पाते हैं। सैमसंग जो है आपका ये साउथ कोरिया की कंपनी है, आप लोग माइक्रोमैक्स यूज कर लो, ठीक है। ओके चलो, आई एम स्टिलिंग, ओके सो योर मैन इज हियर, आई हैव टू टेक यू टाइम क्लास एंड आल्सो So see you next class, okay? Bye 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 bye. Sorry, doubt. Which class is it? Which class? Which class?